हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी के मैथ में ब्रिज चैप्टर यानी सर्कल चैप्टर से प्रश्नावली 10.2 का 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले 4 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। जो भी फ्रेंड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और प्रश्नावली 10.1 और ब्रिज चैप्टर से दो प्रमेय है, 10.1 और 10.2, ये भी कर चुके हैं। जो भी फ्रेंड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका। यहाँ पे दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, बहुत भिविया क्वेश्चन है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले अच्छा से क्वेश्चन को बारीकी से समझ लीजिए। सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, ठीक है। तो फिगर के माध्यम से पहले समझते हैं हम लोग फ्रेंड्स। वृत्त यहाँ ड्रॉ कर लिए हैं, उसका ये सेंटर है, ठीक है। यानी एक सेंटर है, उस पर एक सर्कल लगाएंगे, वृत्त लगाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन में आपका। दिया गया है कि किसी वृत्त यानी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आपका स्पर्श बिंदु है, क्या है स्पर्श बिंदु है। यहाँ से एक हम क्या करेंगे कि ए बी रेखा खींचेंगे, क्या खींचेंगे ए बी रेखा खींचेंगे। यहाँ से स्पर्श बिंदु यानी वृत्त को टच करते हुए निकले, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं ए और बी। अब यहाँ पे ये जो स्पर्श बिंदु है, यहाँ से क्या जा रहा है उस पर एक लंब जा रहा है ना, क्या जा रहा है लंब जा रहा है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, वो बिंदु हो गया। लेकिन क्या बोल रहा है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये वृत्त का केंद्र है, इससे होकर जाता है, ठीक है। क्या जाता है, इससे होकर जाता है। ये क्या हो गया आपका क्यू हो गया, ठीक है। तब हमको सिद्ध करना है कि यही तो सिद्ध करना है कि जैसे क्या है कि लंब पी क्यू है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये जो वृत्त का केंद्र है ना उसके होके जाता है, यही आपको दिखाना है ना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वृत्त के बिंदु, यहाँ पे P लिख दीजिए, P से स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा क्या खींचेंगे AB, स्पर्श रेखा पहले AB खींचेंगे, ठीक है खींचेंगे। अब इसके बाद एक लंब तथा एक लंब पी क्यू है, क्या है आपका पी क्यू, पी और क्यू, पी क्यू रेखा ए पी और बी पर खींचेंगे, रेखा ए पी बी पर खींचेंगे, ठीक है। ये जो हम पहले जैसे जैसे फिगर ड्रॉ किए हैं उसको हम लिख डालेंगे। अब सिद्ध करना है कि आपका कि लंब जो पी क्यू है वो केंद्र से ओ से होकर जाता है, क्या है ये केंद्र ओ है, उसको उससे होकर जाता है। तो यहाँ पे सिद्ध करना है कि लंब पी क्यू है वृत्त के जो केंद्र है ना, केंद्र जिसको हम डिनोट कर लेते हैं ओ से होकर जाती है, ओ से होकर जाती है। होकर जाती है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि प्रमेय 10 मतलब 1 के अनुसार ये क्या बनेगा आपका, पी क्यू लंब क्या हो जाएगा आपका, ए पी पर या पी बी पर हम लिख सकते हैं उसको, क्योंकि प्रमेय 10 मतलब 1 क्या कहता है आपका कि उसमें बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है ना। जैसे वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो क्या हो गया, ये आपका लंब हो गया है ना, यानी ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हम प्रमेय 10.1 के अनुसार, एक के अनुसार ये आपका क्या हो गया, पी क्यू लंब क्या है, ए पी लिखिए या पी बी लिखिए है ना, इधर भी आपका क्या है, लंब बन रहा है। ठीक है, तो हम लिख डालते हैं ए पी। ठीक है, तो क्या हो गया, ए आपका इसका त्रिज्या हो गया, ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया है ना, आर हो गया है। तो देखिए यहाँ पे, यदि ये आपका लंब हो गया, ये 90 डिग्री हो गया है ना, ये क्या हो गया पी क्यू, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना प्रमेय 10.1 के अनुसार। तो पी क्यू जो रेखा है वृत्त की, उसमें त्रिज्या समाहित है, जो इसमें क्या है, पी क्यू जो रेखा है उसी में ना है, यहाँ पे वृत्त की क्या है, त्रिज्या समाहित है। तो हम लिखेंगे इसीलिए पी क्यू रेखा में वृत्त की त्रिज्या यानी आर क्या है, समाहित है। ठीक है, इसी में है, और इसी पी क्यू रेखा में बिंदु ओ भी है। जैसे पी क्यू जो रेखा है उसमें क्या है, बिंदु ओ भी है, इसी पी क्यू रेखा में बिंदु आपका क्या है, वो भी समाहित है। ठीक है, समाहित है। तो हम बोल सकते हैं कि लिखिए यहाँ पे, अतः इसका मतलब ये जो त्रिज्या समाहित है पी क्यू रेखा में, और पी क्यू रेखा में बिंदु वो भी समाहित है, तो हम बोल सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यानी स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब रेखा पर खींचा गया लंब क्या होती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। यही क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 6 नंबर। क्या करना है, 6 नंबर पढ़ते हैं। 6 नंबर में दिया गया है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ऐसे देखिए यहाँ पे, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से होकर 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो हम इसको पहले फिगर बनाते हैं। एक फ्रेंड्स क्या है आपका, वृत्त है, ठीक है, इसका सेंटर आपका वो है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में, कि एक बिंदु ए से आपका, ए क्या है आपका, ए बिंदु है, ए से वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये जो वृत्त का केंद्र है उससे कितना है सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये होगी आपका 5 सेंटीमीटर के दूरी पर है। ठीक है,
अब फिर क्या बोल रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये आपका फ्रेंड्स क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। इसका दूरी कितना है आपका यहाँ से, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसे ऐसे करते जाएंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, है ना, ऑटोमेटिक आपका फिगर बन जाएगा। अब इसके बाद यदि फिगर बन गया तो बन गया आपका क्वेश्चन। और इसमें वो वृत्त की त्रिज्या निकालना है, क्या है यही वृत्त का क्या है आपका, त्रिज्या निकालना है, ठीक है, ये आपका त्रिज्या निकालना है। तो इसको हम क्या करते हैं, वो हो गया आपका ये सेंटर ए हो गया, और यहाँ पे बी डालते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसका त्रिज्या निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे प्रमेय 10.1 के अनुसार, प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या हो जाएगा आपका, प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब क्या होता है, खींचा गया लंब ही होता है ना। तो क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, लंब मतलब 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओ बी, क्या है ओ बी, लंब क्या है आपका ए बी पर है, क्या है, या बी ए या ए बी लिख सकते हैं, बी ए, ठीक है, ओ बी लंब आपका बी ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो अब त्रिभुज क्या बन गया, ये आपका बी ओ या ओ बी ए, ओ बी ए, ये क्या बन गया आपका, समकोण त्रिभुज है ना। अब समकोण त्रिभुज लिखिए या डायरेक्ट त्रिभुज लिखिए, त्रिभुज ओ बी ए में, ओ बी ए में, ये क्या आपका लंब के सामने सामने क्या होता है आपका, कर्ण होता है, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, आधार हो गया, ठीक है। तो पैथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पैथागोरस प्रमेय कहता क्या है फ्रेंड्स, कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का जो वर्ग है अन्ध भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, जो कर्ण का वर्ग है अन्ध भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यही पैथागोरस प्रमेय कहता है ना, पाइथागोरस प्रमेय आपका यही कहता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कर्ण क्या आपका 5 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है निकालना है R² और प्लस आधार क्या है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 5 25 बराबर R² + 4 चौका 16। तो R² बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 25 - 16 यानी 9 हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो गया आपका, 9 हो गया। तो R बराबर क्या हो जाएगा, √9 यानी 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यही तो निकालना था आपका, यानी वृत्त की त्रिज्या निकालना था, ये निकालना था ना, ये क्या हो गया आपका, 3 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या आपका 3 सेंटीमीटर, यही आपका निकालना था फ्रेंड्स, है ना। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड को भी हेल्प मिल सके, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10th की मैथ का स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक है।